दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि मैं एक बैडमिंटन प्लेयर हूँ और एक बैडमिंटन प्लेयर के लिए किट बहुत ज़रूरी होती है, जिसमें रैकेट, शूज़ रखने होते हैं। तो मैं आज उसका उसमें मैं क्या क्या ले जाती हूँ वो शेयर करूँगी अपने प्रैक्टिस के टाइम। तो अभी मैं आपको अपना किट दिखाती हूँ। पहले तो मेरा मुँह छुप गया है, इसकी वजह से मैं उठ जाती हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरी किट है और इसका जो प्राइस है वो 2500 के बराबर है, मतलब। और ये लीडिंग ब्रांड का किट है, आप देख सकते हैं। और इसमें इसको मैंने अमेजोन से परचेज किया था, इसका लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन पे डाल देंगे। और आप देख सकते हैं इसमें 1, 2, 3 एक स्मॉल पॉकेट, 2 रैकेट और शटल्स के लिए, और एक पीछे पॉकेट शूज़ के लिए है। इसको मैंने बहुत दिन हो गए लिए हुए, इसलिए थोड़ा सा गंदा हो गया है। तो इस किट की क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसको मैं 2 साल से यूज़ कर रही हूँ। इससे कोई भी मतलब फटने की कोई भी शिकायत नहीं है इससे। और सबसे पहले मैं आपको रैकेट वाला दिखाती हूँ। तो रैकेट वाला ये है, तो आप देख सकते हैं रैकेट वाले में जो होता है ना, जिसमें इससे मैं आपको पहले बताती हूँ कि किससे पता चलता है कि रैकेट किस जगह रखना चाहिए और शटल किस जगह रखनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं इसमें जो रैकेट वाला एरिया होता है उसमें ऐसा मटेरियल लगा होता है, वो उस टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। और इसमें मेरे रैकेट्स रखे हुए हैं, इसमें 4 रैकेट रखे हुए हैं, मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। सबसे पहला मेरा रैकेट देख के हंसिएगा नहीं, इसकी ये हालत रखी है। इसकी गटिंग टूट गई थी, पर अभी बताऊंगी कैसे टूटी, क्या हुआ। पर ये मैंने इसका पहले ही वीडियो बनाया हुआ था कि ये आर्ट सेवर वाला रैकेट, योनिक्स वाला। और भी रैकेट है, मैं दिखाती हूँ आपको। एक लीनिंग वाला है मेरा, ये लीनिंग वाला। एक एक्स्ट्रा रैकेट विंडस्टॉर्म 700। और एक अभी 2 और रैकेट रखे हुए हैं, वो भी दिखा देते हो। सारे कवर में रखे हुए हैं, तो इसकी ग्रिप बहुत बेकार हो चुकी है, कोई बात नहीं। तो ये वाला जो रैकेट है ये योनिक्स का, ये भी वाला योनिक्स का है और इसका नाम वर्ल्ट्रिक 100 टॉफिक है। ये देखिए वो यहाँ रखा हुआ है, ये कार्लटन का रैकेट है। तो इसे भी खोलते हैं, ये ग्रे कलर का। इसका नाम विंटेज 200 है, योनिक्स नहीं, कार्लटन का। तो इसको भी यहाँ रखते हैं, सारे रैकेट मैंने यहाँ रख दिए हैं। अब यहाँ का पूरा खाली हो चुका है, तो मैं आपको दूसरी पॉकेट का दिखाती हूँ कि उसमें अब क्या रहता है। तो अब दूसरी पॉकेट में जो आता है सबसे बड़ा, वो है रोलर। तो इसमें मेरा कि ये रोलर काफ्स की मसल्स के लिए और थाइस की मसल के लिए इससे एक्सरसाइज करते हैं, बैठ के ऐसे रोल करते हैं, तो उससे मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं। तो मैं इसको स्ट्रेचिंग के बाद यूज़ करती हूँ। और उसके बाद रैकेट और शटल, मेन चीज़ ये ही दो होती है। तो मैं सबसे पहले आपको अपनी शटल का बॉक्स दिखाऊंगी, 2 बॉक्स। तो ये वाला है तीसरा बॉक्स और ये चौथा बॉक्स, ये है S2 का। और अभी जो एक तो TR का था, ये हाँ TR का, और ये AS2 का। तो जो TR और AS2 का होता है वो ज़्यादा चलता है, मतलब ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होती है उसकी। और जो स्ट्राइक का होता है वो ज़्यादा नहीं चल पाता। AS2 और TR के जो हैं वो मैंने स्ट्रोक्स के लिए रखे हैं, और जो स्ट्राइक्स हैं वो मल्टी के लिए रखे हुए हैं। ये 4 डिब्बे हो गए। और उस अगली चीज़ पर चलते हैं जो है स्किपिंग रोप, ये रेड कलर की स्किपिंग रोप। ये बहुत दिन चली है मेरी, कम से कम 2 साल 3 साल, जितने भी साल चली हो। ली तो मैंने डेथक्लॉन से थी, बहुत सस्ती थी पर चली बहुत है, रेड कलर की। और उसके बाद ये आता है थैराबैंड, मैं आपको दिखाती हूँ, ऑरेंज कलर का थैराबैंड। इससे पैरों की एक्सरसाइज, पैरों की नहीं हाथों की होती है, इससे ये इसमें हैंडल जॉइंट होता है, ये स्ट्रेच इसे कर सकते हैं आराम से। और ये वाला इसमें हैंडल नहीं है, फिर भी इससे हाथों की एक्सरसाइज होती है, इसे नीचे पैर में दबा के फिर हम लोग इससे हाथों की एक्सरसाइज करते हैं, ये ऐसे स्ट्रेच हो जाता है रबड़ का। और इसके बाद ये वाला थैराबैंड, मेरे पास 3 थैराबैंड है। तो ये वाला थैराबैंड जो है वो ब्लैक कलर का,
ये भी स्ट्रेच हो जाता है रबड़ का। तो ये पैरों की एक्सरसाइज का होता है, इससे पैरों के बीच में फंसा के फिर उससे स्क्वाट्स मारी जाती हैं, तो ये बहुत ही स्ट्रेच है, स्ट्रेच बहुत हो जाता है। तो अभी थेराबैंड हो गए, अभी हम लोगों ने रैकेट और शटल से खेल लिया, उसके बाद एक्सरसाइज हो गई थेराबैंड से, अब थोड़ी एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए या दिन भर खेलते रहेंगे, तो उसके लिए आता है एनर्जॉल। तो इसको पानी में मिक्स करके पीते हैं, इसमें एनर्जी बहुत होती है। इसका छोटा सा पैक मेरे बैग में हमेशा रहता है, इसको शेक करके बॉटल में आराम से मैं पीती हूँ, बहुत ही टेस्टी होता है ये। और अभी मेरा जादू देखिए आप, बॉटल निकल आई मेरे बैग से, तो इस बॉटल में लगभग मैं इसी बॉटल में एनर्जॉल पीती हूँ। अगर बैग में बॉटल रखी हो, अगर ये वाली रखी हो, तो पक्का पता है कि इसी वाली बॉटल में एनर्जॉल होगा। तो इसको डाल के थोड़ा सा इसको पीते हैं, तो इससे एनर्जी आती है। तो ये छोटा पाउच मेरे बैग में हमेशा रहता है। उसके बाद तो अभी टॉवेल से हम लोगों ने पसीना पोंछ लिया, मेरे से मुझे पसीना भी आ रहा है, तो यूज में आ गई ये टॉवेल। उसके बाद टी शर्ट्स भी तो आती है, कपड़े इतने भीग जाते हैं, तो उसके बाद टी शर्ट्स काम आती है। मैंने उल्टी दिखा दी, ये टी शर्ट मेरी प्यारी सी मुझे बहुत अच्छी लगती है। टी शर्ट्स कम से कम 3 होनी चाहिए और एक शॉर्ट्स, वहाँ गर्मी बहुत होती है, स्वेटिंग बहुत आती है, तो कपड़े भीग जाते हैं पूरे, तो अलग से रहना चाहिए। आपको तो सारे दिखा देती हूँ, ये मेरी शॉर्ट्स, ये मेरी एक और टी शर्ट, ये मेरी एक और शॉर्ट्स। खत्म हो गया सामान, खत्म हो गया, बहुत सामान आ गया इसमें से। पर आप भूल कैसे गए, एक और मेन चीज होती है सीक्रेट पॉकेट। इसके पीछे आप देख सकते हैं मेरे शूज है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। एक पॉलिथीन में मैं कर, सही मेरे शूज है, इनका रिव्यू मैंने पहले भी दिया हुआ है, बताए हुए हैं ये शूज, ये अभी भी बहुत अच्छे चल रहे हैं, आप मेरे पीछे वाले वीडियोस देख लीजिएगा। तो शूज भी हो गए। अब मैंने आपको बताया था 4 पॉकेट होती हैं, 3 ही हुई हैं अभी, तो तीसरी पॉकेट भी, मतलब चौथी पॉकेट भी बहुत मेन है। तो ये होती है इस तरफ, अभी आप देखना जादू से इसमें बहुत सारे सामान निकलेगा। सबसे पहले आप ये देखिए टेप, ये आप जानते हैं ये कौन सा टेप है, ये डॉक्टर टेप है। तो इसको ना शूज भी लगा सकते हैं, जैसे कोई भी फट वट गया तो इसको चिपकाने के लिए उससे ये टेप काम आता है, और या तो कहीं चोट वोट लग गई तो उसके ऊपर भी लगा लो, तो ये सेकता रहता है, मतलब ये अच्छा टेप होता है। और उसके बाद बैंडेज, ये अभी मेरे पास एक ही बची है, नहीं नहीं दो ही है, देख सकते हैं बैंडेज भी रहती है। 3 निकल आई, 4 निकल आई, वाह मेरा जादू देखा आपने। तो ये चोट वोट लग जाती है तो ये तो रहनी चाहिए छोटी पॉकेट में, तो इसे भी रख देते हैं। तो ये भी तो एक जरूरी पार्ट है, ये देखिए, ये आप जानते ही क्या है, गेस करिए, ये ग्रिप है, जो हम लोग रैकेट को जहां से पकड़ते हैं उसमें ग्रिप लगाना बहुत जरूरी रहता है। और ये एक ही नहीं है मेरे पास, ये 4 निकल आए, ये 5 निकल आई, तो मेरे पास 5 ग्रिप्स हैं, आप देख सकते हैं अलग अलग रंग की। जब ग्रिप पकड़ने में खराब हो जाती है तो इसको चेंज करते हैं, मेरे पास 5 ग्रिप रखी हैं, तो इन्हें भी रखते हैं। तो अभी मैंने खजाने की बात कर दी एकदम से कि अंदर से क्या निकलेगा, मैं तो एक चीज बताने भूल गई, ग्रिप्स जो होती है ना अलग अलग उसमें आती हैं, मतलब जैसे अभी जो मेरे हाथ में ग्रिप है ये नॉर्मल ग्रिप है, जैसे अपनी रैकेट में नॉर्मल ग्रिप होती है, वरना टॉवल ग्रिप्स भी आती है जिनके हाथों में बहुत पसीना होता है, उनको पकड़ने में ऐसी ग्रिप्स में दिक्कत होती है, ग्रिप्स गीली हो जाती हैं, उनको बार बार टॉवल से पोंछना पड़ता है, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। टॉवल ग्रिप्स भी आती हैं जिससे हाथ में पसीना आए तो उसी में अब्जॉर्ब हो जाए टॉवल में, पर मुझे उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, मेरे लिए नॉर्मल ग्रिप्स ही सही हैं। तो कुशन ग्रिप्स भी आती हैं, अगर आपको चाहिए तो आप वो भी लगा सकते हो अपने ग्रिप में, उसमें आती हैं, मैं आपको कभी ना कभी दिखाऊंगी। और अगर आप चाहते हो कि मैं इन ग्रिप्स के बारे में और भी इंफॉर्मेशन दूँ तो लाइक ज़रूर कर देना, और हाँ कमेंट करके ज़रूर बताना, तो मैं उसके बारे में अलग वो बताऊँगी, एक अलग वीडियो बनाऊँगी, और उस वीडियो में आपको ये भी बताऊँगी कि जो भी मैं एक्सरसाइजेस का सामान लेके जाती हूँ, जैसे कोई भी सामान हो मैं उसका अलग से वीडियो बनाऊँगी, ये बताऊँगी कि उनका फ़ायदा क्या होता है और मैं क्या क्या सामान लेके जाती हूँ। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं,
तो देखते हैं अब कौन सा खजाना निकलेगा। तो मैं देखती हूँ, तो कैंची निकली है। ये चीज आप अकेले मत यूज करना, तो मैं बता देती हूँ इसका काम क्या होता है। जैसे मैंने आपको अभी दिखाया था, एक मिनट, हाँ, तो मैंने आपको ये वाला रैकेट दिखाया था, आईक्सेवर, जिसका रिव्यू मैंने दिया। इसका गटिंग टूट गया था, तो ऐसे थोड़ी ना चलता है। मतलब गटिंग भी काटनी बहुत जरूरी होते हैं। जैसे मेरी गटिंग थी, वो खेलते खेलते टूट गई, तो उसको तुरंत काट देना चाहिए, वरना रैकेट का जो फ्रेम होता है ना, वो खराब हो जाता है। मतलब ऐसे होता है, तो उसको तुरंत काट देना चाहिए। तो उसके लिए, इसलिए सीजर बहुत जरूरी होती है रखने के लिए, मतलब कुछ भी काम के लिए। जैसे बैंडेड का रैपर खोलना हो, टेप काटना हो, गटिंग काटनी हो, एक छोटी सी सीजर अपने छोटे से पॉकेट में रहनी चाहिए। तो सीजर्स के बाद आता है एक और चीज, मैं आपको दिखाती हूँ, निकल नहीं रही है, एक मिनट। हाँ, तो ये वाले नहीं, ये मेरे पास, मेरा छोटा वाला चेन जो था वो तो बड़ा था, इसलिए मैंने आराम से वो रख लिया। ये बड़ा वाला वॉलनी भी काम आती है, जैसे कभी एंकल ट्विस्ट हो जाता है या कहीं दर्द होना लग जाता है, तो वॉलनी उसमें स्प्रे कर दो तो अच्छा रहता है। तो वॉलनी का भी एक छोटा सा बॉटल हमारे पास रहनी चाहिए हमेशा। और मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ, ये आखिरी चीज़। तो ये ओडोमास, ये कभी भी हम लोग रात में अगर प्रैक्टिस करते हैं और मच्छर काटते हैं, मॉस्किटो, तो उसके लिए ओडोमास हम लोग हमेशा रखते हैं छोटा सा, तो अपनी छोटी पॉकेट में। तो हाँ, अब मेरा बैग का खजाना खत्म हो गया। तो पर आप इस छोटे से बैग में, इतने बड़े बैग में इतना सारा सामान आ गया, उसके लिए लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो इस वीडियो को अभी यही एंड करते हैं, और आप देख सकते हो अभी यहाँ फैला हुआ है पूरा, मुझे ही समेटना पड़ेगा, अंदर रखना पड़ेगा, पूरा किट खाली हो गया है। तो अगर आपको मेरी चीजें अच्छी लगी, अंदर रखने वाली, ये समय समय पे यूज आती रहती है, छोटी सी छोटी चीज, ग्रिप से लेके, शूज से लेके, कोई भी चीज, हर चीज यूज आती रहती है। हाँ, तो चलो आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। एक चीज फिर मैं भूल गई, आपको लाइक सब्सक्राइब शेयर करना है, जरूर करना है, जरूर 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 करना है। हमेशा छोड़ के चले जाते हो, ऐसे थोड़ी ना चलता है। तो चलो ठीक है, तब तक के बाय बाय।